चलिए बात करते हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा किया गया। दरअसल यहां पर एक मरीज को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसकी मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर्स पर गलत इंजेक्शन लगाने का भी आरोप लगाया। दरअसल मामूली चोट की वजह से अस्पताल में एक युवक को भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने उन्हें गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। दशमेश अस्पताल की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों में रोष है, और यहां पर स्ट्रेचर उठा उठा के फेंका जा रहा है, जिससे लोग भी वहां पर परेशान हो रहे हैं। बता दें कि दशमेश अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक को मामूली चोट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। भरकुआ पुलिस भी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दशमेश अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला सामने, तस्वीरों का देखकर आप अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मरीज के परिजनों ने किस कदर तोड़फोड़ मचाई। दरअसल युवक को मामूली चोट के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते उस मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा चरम पर है, अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तोड़फोड़ की गई है, क्या है ये पूरा मामला? जी, ये गोकुल नाम का एक युवक था, बाबू महादेव नगर निवासी, जिसको कल रात एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद इलाज के लिए कोलाराम हॉस्पिटल में लेके आया गया था, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। जब इसकी मौत की जानकारी परिजनों को लगी, हंगामा यहाँ पर शुरू कर दिया था। उनका ऐसा कहना था कि रात में कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके चलते मौत हो गई। जैसे जैसे ये खबर इसके परिवार के अन्य लोगों को लगी, वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती गई। कुछ ही देर में लोगों परिजनों ने पहले यहाँ पर चक्का जाम के प्रयास किया, लेकिन जब यहाँ पुलिस पहुंची और उन्होंने उनको वहाँ से सड़क से हटाया, तो ये लोग वापस हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ पर इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। हॉस्पिटल का जो निचला हिस्सा है, वहाँ पर जमकर इन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। जब आसपास के थानों का बल यहाँ पर पहुंचा, उन लोगों ने इनको समझाई थी, वहाँ से खदेड़ा, तब जाकर स्थिति शांत हुई। इसके बाद शव को यहाँ से अस्पताल से ले जाकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर इसकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मनीष, डॉक्टर्स का क्या कहना है कि जब युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस समय उसकी हालत कैसी थी और ऐसा क्या हुआ जो एक ही रात में उसकी मौत हो गई? जी, उनके परिजनों का कहना है कि उसके जब अस्पताल में ले जाया, जब तक ठीक था, उसके बाद उनसे कई दवाइयां भी मंगाई गई, लेकिन फिर बाद में सुबह हमें बता दिया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। जबकि इसके बीच के दौरान उन्हें हमें कभी कभी ये बताया नहीं गया कि उसकी हालत किसी गंभीर है या किसी तरह का है, ऐसा आरोप है। हालांकि पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि शव का हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा कि इसकी मौत किन कारणों से हुई। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी, अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में अस्पताल प्रबंधन कभी सामने नहीं आ पाया, क्योंकि घटना हुई काफी सारी भीड़ थी, तो इसके चक्कर में अस्पताल का स्टाफ था वो भी इधर उधर हो गया था बचने के चक्कर के लिए, ताकि कोई उनके साथ भी मारपीट ना हो सके। अभी थोड़ी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो सब लोग वापस अपने काम के लिए। मनीष, जो स्थिति वहां पर निर्मित हुई है, ये तस्वीरों में देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वहां पर कितना तोड़फोड़ किया गया है, क्या अब स्थिति सामान्य है? जी, अब तक स्थिति काफी सामान्य है। शव को यहां से हटा दिया गया है, शव के साथ ही जो उनके परिजन और दो मित्र थे वो यहां से जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गए। हालांकि जिला अस्पताल में भी काफी पुलिस फोर्स लगा दिया गया है, क्योंकि इस बात की अंदेशा है कि ये लोग शव को लेकर वापस हंगामा कर सकते हैं या चक्का जाम की स्थिति भी आ सकती है। इसको देखते हुए पुलिस फोर्स अभी भी अस्पताल और उनके घर के आसपास तैनात किए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि इंदौर के दशमेश अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक्सीडेंट के बाद इस मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा परिजनों का कहना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के गलत इंजेक्शन के चलते ही युवक की मौत हो गई। हालांकि उसकी जो कंडीशन थी वो इतनी सीरियस नहीं थी, बावजूद उसके उसकी मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और अब
शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। परिजन वहां पर भी मौजूद है, साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो सके।